यहां से क्वेरी सॉल्व करने का दिन। और गुड़गांव सबसे पहले नेहा जी के पास चला जा, दिखाइए सबको स्क्रीन पे। नेहा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम आपकी पहली क्वेरी। जी मेरी पहली क्वेरी सर, एक्चुअली हैव अ क्वेरी फॉर SRF। मेरे पास 400 शेयर्स हैं SRF के, विच आई बॉट एट 18 रुपीस। SRF 18 रुपए में खरीदा हुआ है? हाँ जी 18 रुपए में खरीदा हुआ है। कब खरीदा है ये? इट वाज अ गिफ्ट। अरे वाह, अब सवाल क्या है फिर, गिफ्ट रखना चाहिए कि मुनाफा बांधना चाहिए ऐसा कुछ? हाँ ये पूछना था कि शुड आई कीप दिस या फिर इसको निकाल दें, किसी और चीज में इन्वेस्ट करें। किसने दिया था गिफ्ट? मेरे चाचा ने। गजब चाचा है, चाचा जी ने गजब कर दिया है भाई, इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता। और अगर ऐसा चल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। सतपुत्र साहब क्या करें, ये गिफ्ट रख लें या कुछ मुनाफा बांध लें? आशीष जी मैं चेक कर रहा था कि कब था ये, 18 रुपए, 2010 वाली, 2010 का टाइम था वो। तो आशीष जी मुझे लगता है काउंटर अभी भी अच्छा है। काउंटर ये एक आप कह सकते हैं कि एफर्नो वाला काउंटर है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग मुनाफे पे बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि 18 रुपए के लिए कितना क्या करना है, कितना भरावारी करना है। सो आई थिंक शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लगता है कि SRF में 2400 का सपोर्ट बनेगा, बेस बन रहा है। वोलेटिलिटी होगी बाजार में, उठा पटक होगी, ये 2400 भी टेस्ट करेगा, तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल काउंटर में बने रहना ही ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लगता है इसका जो टारगेट दिखता है वो 2800 से 3000 का होना चाहिए। बट उसके लिए वक्त है, उसके लिए टाइम है, तो फिलहाल तो मुझे लगता है इतना अच्छा काउंटर है, आप बने रहे। अच्छा काउंटर है, सॉलिड पेडिग्री, बहुत बढ़िया एक्विजिशन कॉस्ट है, काहे जल्दी। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है मैम तो रखिए स्टॉक को। भोपाल से रूबी खेत्रपाल जी। रूबी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रूबी मैम, गुड आफ्टरनून सर। रूबी मैम पहला सवाल आपका। रूबी मैम सवाल दिख गया, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हालांकि मैं सतपुते साहब को बता दूं कि भोपाल एक डेवलप्ड सिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंटरनेट ब्रॉडबैंड का कोई इशू खास होता है। इस समय हो गया सतपुते साहब, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन RVNL सवाल है, 200 शेयर्स 224 ही खरीद, बढ़िया 560 पे चल रहा है सतपुते साहब। आई एम अज्यूमिंग रूबी मैम का सिमिलर सवाल होगा, बने रहूं या मुनाफा बांधूं, क्या करना चाहिए? RVNL की बात करें तो मुझे लगता है एक बार पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ले। यहाँ पे देखिए सपोर्ट की बात करना है, तो अगर मुझे लगता है जब तक ये 550 के लेवल मेंटेन करता है, 560 पे है, 550 का लेवल अगर मेंटेन करता है, तब तक शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर में 600-620 तक का मुंह यहाँ पे बनना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप इसको मंथली चार्ट पे लेके जाते हो तो ये चार्ट जबरदस्त एक कह सकते हैं वी शेप, नहीं आई शेप रैली आप इसको कह सकते हैं, कि सीधा ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लगता है एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा 50% प्रॉफिट टेकिंग करें, 50% होल्ड करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 540, 600 के पार जाने के बाद अगर चाहे तो वो भी बांध लो ना। मुंबई से आरती अंजरिया मैम। आरती मैम गुड आफ्टरनून। आरती मैम आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष सर एंड राजेश सर, माय क्वेश्चन इज आई हैव अ REC शेयर्स ऑफ 1000 एट द रेट 562। और ये कितना टाइम होगा लिए हुए मैम? 10 से 15 दिन। और ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था या लंबी अवधि के लिहाज से लिया? नो नो ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो मुनाफा बांधने का कब मन था आपका, मतलब 22-20 रुपए दिख रहा था, आप निकले क्यों नहीं, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, और कोई टारगेट लेके चल रहे हो क्या आप? नहीं नहीं टारगेट नहीं लिया था, बट आफ्टर आई टुक वो सीधा नीचे ही आया। नीचे आया लेकिन 22 रुपए तो गेन कर रहा है अभी भी। खैर आप स्टॉप लॉस लगाते हो ट्रेड्स पे आरती मैम? No. साहब स्टॉप लॉस नहीं लगा है, 22 रुपए का गेन हो रहा है, बताओ भाई क्या करना है? आशीष जी देखिए ओपन एंडेड स्कीम है, लोअर साइड में ना स्टॉप लॉस है, ऊपर में ना टारगेट है। मैडम ऐसा नहीं होता, बाजार में आपको दोनों की तरफ के लेवल्स रखने पड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल जो है वही कहीं अटक ना जाए, तो हमेशा इसका हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट एंड प्री डिफाइंड टारगेट शुड बी देयर, कि एक लेवल आया तो मैं बुक कर लूंगी, मतलब उससे उसके बाद, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो आपके पास दोनों दोनों लेवल्स होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ऑफ 583-584 590-600 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पोजीशन बहुत हेवी है REC PFC, जब जब देखिए करेक्शन आता है तो सब लोग इसमें कूद पड़ते हैं,
तो इसके चलते चलते काउंटर हेवी हो गया है, तो 600 के ऊपर जाते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ऑफ 584 यू शुड बुक योर प्रॉफिट। अगर करेक्शन में कहीं मिलता है 500-550 के आसपास, तो आप उसमें से फिर से लॉन्ग करें, लेकिन बट एट दिस इज नॉट द लेवल टू एंटर लॉन्ग। क्विकली एक सवाल और, नेहा मैम अगला सवाल आपका। जी सर, आई हैव 100 शेयर्स ऑफ केएनआर व्हिच आई बॉट एट 57 रुपीस, सो आई जस्ट वांटेड टू चेक शुड आई कीप इट या फिर इसको निकाल दें। केएनआर 57 रुपीस, ये किसने दिया आपको? ये हमने खुद लिया है सर। ये भी बढ़िया था, ठीक है 360 पे चल रहा है सतपुते साहब, ये भी मल्टी बैगर है मैम का भाई। अच्छा इस केस में करें क्या, केएनआर कैसा लगता है, क्या एक्विजिशन कॉस्ट जो थी एटलीस्ट वो निकाल लूं या बने रहूं, क्या करना चाहिए? आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो आपका आपकी लागत है वो निकाल दीजिए, बाकी जो उसे पड़े रहने दीजिए, क्योंकि काउंटर इतना बुरा नहीं है, 340-350 के आसपास सपोर्ट लेता है, थोड़ा बहुत न्यूज के कारण थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखता है बाजार के सामने, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन इतना बुरा नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियरिटी दिख रहा है कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर 340 का लेवल सस्टेन करता है, यहाँ से बाइंग आती है, तो ये फिर से 400 के पार जाएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन चार्ट अभी ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और आरती मैम आपका अगला सवाल। आरती मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। I have a 500 shares of Bharti Airtel worth rupees 1503. ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था आरती जी। हाँ। भारती एयरटेल 62 रुपए का लॉस। सतपुते साहब क्या करा जाए? I think it's an exit. उनका टेक्निकल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 1438 है। आज रिजल्ट के बाद यहाँ पे पिटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। I think you should close your trade. चलिए इस नोट पर नेहा मैम, रूबी मैम, आरती मैम, रूबी मैम सॉरी, अपन की बहुत डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, वो आवाज़ का इशू आ रहा था, पर आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतपुते साहब थैंक यू सो मच क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ब्रेक के उस पार मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के CEO साहब से बैठ गए हैं, शायद दिखेंगे आपको, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और Q1 में मदरसन